ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما هرت كي تعريف व रब्बुल रबालमीन के लिए लायक और जेबा है जो सारे जहान का अकेला खालिक है मालिक है हाकिम है राजिक है जिसके हाथ में पूरी दुनिया की बादशाहत है दरुदो सलाम नाजिल हों अल्लाह के तमाम नबियों पर खूस आखिरी नबी हज़रत महम्म मुस्तफ़ी सल्लास पर जो आखिरी नबी आखिरी रसूल आखिरी पैगंबर बनाकर इस दुनिया के लिए भेजे गए जिनके बाद अब क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है मोहतरम हाजरीन हम सबको अल्लाह ने पैदा किया वही हमारी रोज़ियों का मालिक है इंसान के पास जो भी रोज़ी आती है उसके दो जराए हैं एक हलाल ज़रिया है दूसरा हराम जरिया है अगर हलाल ज़रिए से हम रोज़ी हासिल करेंगे तो उसके बहुत सारे फवाद हैं और अगर हराम ज़रिए से हमारे पास रोज़ी आती है तो उसके बहुत सारे नुकसान हैं हलाल रोज़ी के फवाद और उसके ज़रा क्या हैं इन शाला अगले जुमा के खुतबे में इस पर गुफ्तु होगी आज के खुतबे में मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर हमारी कमाई हराम है तो उसके क्या नुकसान हैं और हराम कमाई की शक्लें क्या क्या हैं जो हमारे दरमियान रॉइज हैं सबसे पहले हम अल्लाह के नबी वसल्लम के उस हदीस से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि एक शख्स लंबा सफ़र करता है युतीलु अश अशअफा अखबारा लंबा सफ़र करता है उसके बाल परागंदा हो चुके हैं उसका चेहरा खाक आलूद हो चुका है यमुद्दो यदहीसम अपने आसमान अपने हाथों को वो आसमान की तरफ उठाता है यकूलो या रब्बी या रब्बी और कहता है अय मेरे रब अय मेरे रब मत अमू हराम मश हराम मल बसहु हराम फ़ान ना युस्त बोले दालिक। उसने जो खाना खाकर आया वो हराम का था जो पानी पिया वो हराम का था जो लिबास उसने पहना है वो हराम का था वह गुदिया बिल हराम वो हराम माल से ही पलता रहा फ़ाना युस्तजा बल उसकी दुआ कैसे कबूल होगी मालूम यह हुआ कि अगर हमारी कमाई हराम है तो हमारी दुआ कबूल नहीं होती है कोई भी इबादत कबूल नहीं होती है हराम कमाई का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इंसान अमल तो करता है लेकिन उसका अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अगर कोई शख्स हराम कमाता है और उससे सदक़ा खैरात करता है तो उसका सदक़ा और खैरात भी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हराम कमा लेंगे उनकी कमाई हराम है लेकिन मस्जिद बनवा देंगे मदरसा में दे देंगे यतीम खाने बनवा देंगे लोगों की मदद कर देंगे मेरे भाइयों हराम कमाने वाला कितना भी सदका खैरात कर दे अल्लाह ताला उसके अमल को कबूल नहीं करता है एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स हराम माल से अपने जिस्म की परवरिश करता है इस बात का ज्यादा मुस्तक है कि वह जहन्नम में डाला जाए तो दुनिया में इबादतें नहीं कबूल हुई सदका खैरात भी कबूल नहीं हुआ और आखिरी अंजाम क्या है जहन्नम हराम को मामूली न समझे इस वक्त सबसे बड़ा मसला है अपनी कमाई को हलाल करने का इस वक्त मादा प्रस्ती का दौर है लोगों को ज्यादा माल चाहिए हर इंसान रातों रात अपना नाम कमाना चाहता है इसलिए माल कमाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करता है और वो तमाम जराए और वसाइल को अपनाता है जो हराम है नाजायज़ हैं मैं कुछ शक्लें आपके सामने ज़िक्र करूंगा जिससे मालूम होगा कि समाज और माशरे में हराम कमाई के कितने ज़रिए हैं सबसे पहला जरिया चोरी का है चोरी करना हराम है कोई भी कोई भी मज़हब कोई भी धर्म इस बात की तालीम नहीं देता है कि इंसान चोरी करे हर मज़हब में चोरी करना गुनाह है लेकिन हमारे मजहब में चोरी के रोकथाम के लिए जो शरीयत ने कानून बनाए हैं वो तमाम मजाहिब से बेहतर है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लानत है चोर पर लानत है चोर पर एक अंडा चुराता है और उसका हाथ काट लिया जाता है फिर उसके बाद एक रस्सी चुराता है दूसरा हाथ काट लिया जाता है बहुत सारे लोगों के जहनो दिमाग में यह बात होगी कि अगर बहुत ज्यादा माल चोरी किया जाए तब गुना है एक अंडे की कीमत क्या है पांच रुपए, छ रुपए। पांच रुपए, छ रुपए। हमारे नबी ने फरमाया लानत है चोर के ऊपर एक अंडा कम आ, आ, चुराता है और हाथ काट लिया जाता है फिर एक रस्सी चुराता है दूसरा हाथ काट लिया एक रस्सी की कीमत क्या है तो माल कम हो या ज्यादा मसला यह नहीं है चोरी चोरी है चाहे एक रुपए का हो चाहे एक लाख का हो हमारी शरीयत ने चोरी के रोकथाम के लिए जो कानून बनाया है अल्लाह ने फरमा असारी को वह सारी कतु चोरी करने वाला मर्द हो या औरत उसका हाथ काटा जाएगा और शरीयत का हुक्म है उसका यह हाथ सरे बाजार काटा जाएगा तमाम लोगों के सामने काटा जाएगा ताकि इस चोर को अपने किए की सजा मिल जाए और जो देखने वाले हैं उनको मालूम हो जाए कि चोरी करना समाज और माशरे में कितना बड़ा जुर्म है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चोर पर लानत फरमाई है तो सबसे पहली जो चीज है चोरी के जरिया है हराम कमाई का चोरी है आज समाज और माशरे में बहुत लोग चोरी करते हैं चोरी क्यों करते हैं रातों रात बड़ा बनने का ख्वाब चोरी से हासिल किया हुआ माल हराम है थोड़ा हो या ज्यादा दूसरे नंबर पे डाकाजनी चोरी से जरा ऊपर डाकाजनी चोर क्या करता है लोगों की निगाहों से छुप करके उसका माल चुरा लेता है रात के अंधेरे में चुरा लेता है डाकू क्या करता है खंजर के खंजर के बल पर ताकत के बल पर टीम बनाया हुआ है रोड़ी इज्म जिसे कहते हैं यानी लोगों के ऊपर जुल्म करके लोगों को डरा करके धमका करके लोगों का माल लूट लेना पहले भी था आज भी है यह हफ्ता वसूली यह सब उसी में आता है चोरी छोटा जुर्म था सिर्फ हाथ काटा गया अगर कोई डाका जनी करता है तो हमारी शरीयत का कानून क्या है चार कानून चार सजा अल्लाह ने बताई है नंबर एक उसको अजियत देकर के कत्ल कर दिया जाए नंबर दो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि उसको सूली पर लटका दिया जाए नंबर तीन उसके हाथ और पैर को मुखालिफ मुखालिफतों से काट दिया जाए यानी दाहिना हाथ तो बाया पैर या बाया हाथ तो दाहिना पैर हाथ और पैर को मुखालिफ मुखालिफतों से काट दिया जाए चौथी सजा क्या है उसको शहर से निकाल दिया जाए शहर बदर कर दिया जाए अब आप सोचेंगे कि चार सजाएं कैसे हो सकती हैं उसके जुर्म की नौीय क्या है उसके डाका की नौीयत क्या है उस के हिसाब से काजी फैसला करेगा कि इसका हाथ काटना है या सूली देना है या कत्ल करना है शहर बदर करना है ये चार शक्लें बयान की हैं लेकिन ये सब वहां पर नाफिज होंगी जहां पर इस्लामी शरीयत नाफिज हो इस्लामी मुल्क हो शरीयत का कानून चलता हो आप कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश न करें मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि चोरी करना और डाकाजनी करना और इससे माल हासिल करना हराम है सिर्फ इतनी बात आप समझें तीसरा तरीका जो है जुआ खेलना जुआ की आज मुख्तलिफ शक्लें हैं पहले ज़माने में भी लोग जुआ खेलते थे आज भी जुआ खेलते हैं, जिसको हम लाटरी कहते हैं कहते हैं इसकी लाटरी लग गई इसमें क्या होता है मुख्तलिफ़ शक्लें हैं जुआ की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं लोग गेम के ज़रिए से खेल के जरिए से जुआ खेलते हैं इसकी सबसे आसान शक्ल जो समाज और माशरे में चलती है मैं आपको बताता हूँ एक आदमी दस लाख रुपये का या एक लाख रुपये का कोई सामान रखता है एक लाख रुपए की कोई गाड़ी रखा अब उसके लिए पंद्रह टिकट दिए उसने दस दस हज़ार के तो कितने हो गए एक लाख पचास हज़ार तो पचास हज़ार तो वो कंपनी वाला कमा लिया जो गाड़ी एक लाख की दे रहा है और वो पंद्रह टिकट में एक की लॉटरी लगेगी यानी पंद्रह लोगों से दस दस हजार वसूले जाएंगे एक आदमी को एक लाख की गाड़ी मिल जाएगी तो चौदह लोग क्या करेंगे उनके पैसे चले गए लॉटरी की एक शक्ल ये मैं बता रहा हूं इसके अलावा बहुत सारी शक्लें हैं तो ये जुआ खेलना जिसमें बहुत सारे लोगों का माल एक ही आदमी के पास चले जाता है ये हराम है बहुत सारे हमारे नौजवान जुआ खेलते हैं लॉटरी खेलते हैं और उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें जो गेम हैं और शर्त लगाते हैं ये हमारे समाज और माशरे के दरमियान राइज हैं जो मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं इसी तरीके से चौथी शक्ल सूदी कारोबार करना सूदी कारोबार करना इसकी भी मुख्तलिफ़ शक्लें हैं सूदी कारोबार पहले ज़माने में क्या करता एक आदमी को ज़रूरत होती थी पैसे की किसी मालदार के पास जाता था वो पैसा लेता था आज भी वो शक्ल राइज है आज एक गरीब आदमी एक मालदार के पास जाता है ब्याज पर पैसे लेता है सूद पर पैसे लेता है एक लाख रुपया लिया जब वापस करेगा तो उसको एक लाख दस हजार देने पड़ेंगे वो दस हजार जो है वो सूद है इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं अगर मैं इसकी शक्लों को बयान करूं तो मैं दूसरी बात नहीं कर सकूंगा सूद की जितनी शक्लें हैं सब हराम हैं और बड़ी तेज़ी के साथ समाज और माशरे में ये सूदी कारोबार बढ़ता जा रहा है बल्कि मैं उससे बढ़कर ये कहूं कि शायद कोई घर हो शायद कोई महल्ला हो जो सूद से पाक हो मेरे भाइयों सूदी कारोबार करना सूद लेना सूद देना सूद का सूद की लिखाई करना अल्लाह के नबी ने फरमाया सूद लेने वाला सूद देने वाला लिखने वाला गवाही देने वाला सब के सब गुनाह में बराबर हैं सब के सब गुनाह में बराबर हैं अल्लाह ने फरमाया फरमायादीन आमनत वजरू मा, मा बक या रिबा अल्लाह ने फरमाया लोगो अल्लाह से डरो और जो भी सूद तुम्हारा बाकी रह गया है उसको छोड़ दो नहीं मालूम था तुमने किया मालूम हो गया अब छोड़ दो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि तमाम लोग सुन लें सूदी कारोबार करना सूद लेना सूद देना हराम है और सबसे पहले मैं अपने फला रिश्तेदार का सूद माफ करता हूं यानी अगर तुमने ये ये आज से छोड़ दिया तो असल माल तुमको मिल जाएगा यानी एक लाख रुपया जो तुमने दिया था वो एक लाख आप ले लें अगर एक लाख के बाद वो दस हज़ार की लालच है तो आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह और उसके अल्लाह के हुक्म के बाद भी अपने आमाल से तोबा नहीं करते हैं तो वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाएं। अल्लाह और उसके रसूल से हम जंग कर पाएंगे मालूम यह हुआ कि सूद की तबाही सूद की बर्बादी बहुत ज़्यादा है तो ये चौथी शक्ल है जो सूद की शक्ल में हमारे दरमियान राइज है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद, सूद के सत्तर गुना हैं सेवेंटी सूद के सत्तर गुना हैं उसमें सबसे छोटा गुनाह क्या है एक आदमी अपनी माँ के साथ निकाह कर ले वो माँ जिसने नौ महीने पेट में रखा वो मही वो माँ जिसने आपको जन्म दिया वो माँ जिसने आपको दूध पिलाया वो माँ जिसने आपके बदन की मालिश करके इतना बड़ा किया सूद का सबसे कमतर गुनाह यह है कि आदमी अपनी सगी माँ से निकाह करे तो बड़े गुनाहों का आलम क्या होगा ये सूद ये चौथी शक्ल है हराम कमाई की अल्लाह के नबी वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया कि जिस बस्ती में सूदी कारोबार करने वाले सूद लेने देने वाले और जेनाकारी ये आम हो जाए तो उस बस्ती पर अल्लाह का अजाब हलाल हो जाता है अल्लाह का आजाब हलाल हो जाता है यानी अल्लाह ताला कब उस बस्ती के ऊपर अजाब भेज दे कुछ नहीं कहा जा सकता है अगर इस हदीस की रोशनी में हम अपने समाज और माशरे का जायजा लें तो क्या ये दोनों चीजें हमारे समाज और माशरे में तेजी के साथ नहीं बढ़ रही हैं जिनाकारी के अड्डे कायम किए जा रहे हैं बेहयाई और बेशर्मी और उरियानियत का नंगा नाच नाचा जा रहा है आज शरीफ आदमी को बाहर निकलना मुश्किल हो गया है आज कहीं घूमने फिरने के लिए लोग जा कोई जाए तो लोग उसको ताक़ुब की निगाह से देखते हैं ये हालात हैं जिनाकारी इस कदर आम हो गई है सूद इस क़दर आम हो गया है हमारे मुल्क में हमारे शहर में हमारी बस्ती में अगर ये दोनों चीज़ें आम हो जाएँ तो अल्लाह का अजाब हलाल हो जाता है कहीं ये जो आजाद की मुख्तलिफ जो हम देख रहे हैं कहीं इन्हीं हमारे गुनाहों का नतीजा तो नहीं है तो सूदी कारोबार करना सूद लेना देना ये ये, ये एक शक्ल है हराम कमाई की पांचवी शक्ल झूठी कसम खा करके किसी का माल कब्जा कर लेना कभी कभी एक एक चीज रहती है एक सामान रहता है दावेदार दो रहते हैं एक कहता है मेरा है दूसरा कहता है मेरा है हमने देखा है बहुत सारे लोग किसी के पास जाते हैं ये ये, ये एक ही चीज है और दो लोग इसके दावेदार कहते हैं कसम खा लो कसम खा सकते हो क्या तो कहता हां हाँ, कसम खा लेता हूं वो कसम खा लेता है और चीज उसकी हो जाती है हालांकि उसकी नहीं रहती है कसम खा करके आपने दूसरे की चीज को अपना लिया वो आपकी नहीं होगी हमारे समाज में ऐसी चीजें हैं कि नहीं, नहीं? अल्लाह के नबीम के पास एक मुकदमा आया एक शख्स ने कहा कि ये जमीन मेरी है दूसरे ने कहा यह जमीन मेरी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कसम खा सकते हो कहा हा? तो वो दूसरा जो साथी था उसने कहा अल्लाह ये कसम खाकर मेरा माल हथिया लेगा तो आपने फरमाया अगर वो कसम खा लेगा तो अल्लाह तबारक तआला उसको तबाह कर देगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मौका पर फरमाया था कि लोगों तुम मेरे पास अपने मुकदमात को लेकर आते हो और चर्ब जुबानी की वजह से कादरुल कलामी की वजह से दलाइल की बुनियाद पर कोई शख्स मुझ पर गालिब आ जाता है मैं उसके हक में फैसला कर देता हूं वो ये ना समझे कि उसके लिए जायज है मैं उसको जहन्नम का एक टुकड़ा दे रहा हूं जो उसे जो वो लेकर जा रहा है हमारे नबी भी अगर कोई चीज हमारे हक में फैसला कर दें हमारी नहीं है तो वो हमारी नहीं हो सकती है आज बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं भाई हमने कोर्ट से फैसला करवाया है कौन सा कोर्ट वहां कयामत के दिन कोर्ट लगेगा है माल आपका कि नहीं ये दुनियादारी का कोर्ट जो आपके हक में फैसला कर दे आपका नहीं है नहीं हो सकता है भाई भाई का भाई बहन का पड़ोसी पड़ोसी का ये सारे मसाइल हमारे सामने हैं हम अपने पैसे के बलबूते पर गरीब के माल पर कब्जा करके अपने आप को बड़ा जाहिर करते हैं क्या ऐसा नहीं हो रहा है कसम खा करके किसी का माल ले लेना कोर्ट के जरिए से पैसे के बलबूते पर किसी का माल हासिल कर लेना जो हमारा नहीं है वो हराम है हमारा नहीं हो सकता है इसी तरीके से पांचवी शक्ल है तिजारत करते वक्त माल में कमी बेशी करना आप कोई चीज़ दे रहे हैं जब लेते हैं तो ज़्यादा लेते हैं देते हैं तो कम देते हैं वजन करने वाली चीज़ है आपने वजन में कमी कर दी मापने वाली चीज है आपने माप में कमी कर दी तो इस तरीके से माप तौल में कमी बेशी करना यह हराम है आप आपने 100 ग्राम किसी का माल मार लिया लेकिन उसकी वजह से आपका पूरा माल हराम हो गया पूरा माल हराम हो गया आप जमीन खरीदते हैं कागज में है 1200 सौ स्क्वायर फिट वहां जाके देखते हैं तो 1100 रहता है 100 फिट कम हो गया हराम है आपने कोई सामान खरीदा वजन करने वाली चीज आप एक किलो खरीद कर लाए बाद में वजन किया तो वो नौ सौ ग्राम है आठ सौ ग्राम है ये दो सौ ग्राम कहां गया सामने वाले ने मार लिया अगर हमने किसी का माल कम कर दिया है मार लिया है तो वो सिर्फ दो सौ ग्राम सौ ग्राम नहीं पूरा माल हमारे लिए क्या हो जाता है हराम हो जाता है थोड़े फ़ायदे के लिए अपने पूरे मा, माल को बर्बाद न करें अल्लाह ने फरमाया वही लमुतफ़ी अल्लीन इजकता से वही वहीजा हम अवज़नू हम रोन तबाही है और बर्बादी है उन लोगों के लिए जो नाप तोल में कमी बेशी करते हैं लेते हैं तो बढ़ा के लेते हैं देते हैं तो घटा के देते हैं ये नाप तौल में कमी बेशी सौ पचास ग्राम किसी का मार करके आपने अपने माल को हराम कर लिया आप समझते हैं कि बहुत होशियार हैं मेरे भाइयों माल हराम हो गया ना आपकी इबादत कबूल होगी ना आपकी दुआ कबूल होगी ना आप जन्नत में जा सकेंगे मेरे भाइयों और सदका खैरात करेंगे तो वो भी कबूल नहीं होगा तो इस तरह से तौल में कमी बेशी करके अपने माल को हराम न करें सातवीं शक्ल क्या है कारोबार में धोखा देना कारोबार में धोखा देना पुरानी चीज नई करके बेच देना पुरानी चीज आप नई करके बेच सकते हैं लेकिन उसको बताया जाए कि यह चीज पुरानी है यह चीज पुरानी है लेकिन मैंने नई जैसे कर दिया है पुरानी चीज को आपने नया कह करके बेच दिया आपने राशन बेचते वक्त उसमें कंकर मिला दिए तो किसी भी चीज में मिलावट कर देना सामने वाले को धोखा दे देना बासी चीज को ताजा कह के बेच देना गर्म करके बेच देना ताकि अब आदमी हर आदमी हमारा आपका सबका मामला है कोई चीज खरीदने जाते हैं हमें गर्म होना मामूली एक समोसा भी तो हम क्या करते हैं पहले हाथ रखते हैं गर्म है तो ले लेते हैं अब वो गर्म तो है लेकिन है कब का है कब का यह धोखा नहीं है धोखा देकर के जो कारोबार करते हैं कारोबार में लोगों को धोखा देते हैं यह धोखा देने की वजह से वह माल हराम हो जाता है अल्लाह के नबी में एक बाजार में गए मशहूर हदीस है। आपने देखा गल्ले का ढेर लगा हुआ है आपने अपना हाथ अंदर डाला देखा कि अंदर का जो गल्ला है वो भीगा है, बाहर का जो गल्ला है वो सूखा है आपने दुकानदार को बुलाया कहा ये क्या मामला है कहा कि कल बारिश हो गई थी और ज़रा गल्ला भीग गया था भीगे हुए गल्ले को हमने नीचे रख दिया सूखे हुए गल्ले को हमने ऊपर रख दिया ताकि देखने वाला सूखे गल्ले के साथ भीगा हुआ गल्ला भी ले ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुमने ऐसा क्यों नहीं किया कि सूखा गल्ला नीचे रख देता भीगा हुआ गल्ला ऊपर रख देता ताकि देखने वाले को मालूम हो जाता तेरा गल्ला भी सूख जाता उसी मौका पर अल्लाह के नबी सल्लाम ने फरमाया मन गशना फलई जो धोखा दे करके तजारत करे वो मेरा उम्मती नहीं है आज हम तिजारत में कितना धोखा देते हैं आज हम सामने वालों को कितना बेवकूफ बनाते हैं हमें एहसास भी नहीं होता दो पांच रुपए के लिए हम दूसरों को बेवकूफ़ बना करके अपना हराम माल लेकर के हम खुश हो जाते हैं ये बीमारियां ये परेशानियां ये मुसीबतें ये आफतें क्यों आ रही हैं इन्हीं हराम कमाइयों की वजह से इन्हीं हराम कमाइयों की वजह से मामूली मामूली चीज के लिए हम अपना ईमान अकीदा खो देते हैं इसी तरीके से आठवीं शक्ल है रिश्वत लेना रिश्वत लेना हराम है रिश्वत देना हराम है अल्लाह के नबी वाला ने जहन्नम में जाएंगे आपको अल्लाह ताला ने कोई मकाम दिया है आपको कोई ओहदा दिया है क्यों दिया है ताकि आप लोगों की मदद करें समाज और माशरे ने आपको उस कुर्सी पर पहुंचाया है समाज की खिदमत के लिए जिस खिदमत के लिए वो कुर्सी आपको दी गई है जब उस कुर्सी पर पहुंचते हैं तो समाज और माशरे की खिदमत के लिए हम आपका काम करेंगे लेकिन इतने पैसे लगेंगे ये रिश्वत क्यों लेंगे भाई समाज ने आपको वहां तक पहुंचाया कौम ने आपको वहां तक पहुंचाया मुल्क ने आपको वहां तक पहुंचाया और समाज और माशरे और मुल्क की आवाम की बदौलत वहां पहुंचने के बाद आप आवाम की जेब पर डाके डालने लगे आपने अम के पैसे को एंटने का एक नया तरीका निकाल लिया आज क्या हो रहा है आप जाइए सरकारी अफसरों के पास आपका मामूली से मामूली काम भी अगर करना हो तो बगैर रिश्वत के बगैर पैसा लिए नहीं कर सकते हैं यह हराम है हराम है रिश्वत लेना रिश्वत देना हराम है हमारे नबी ने फरमाया लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नम में जाएंगे अलबत्ता अगर कोई शख्स हमारा माल है हमारा माल है किसी ने कब्जा कर लिया अब वो माल हमें निकालना माल हमारा है सौ फीसद हमारा माल है लेकिन वो माल निकालने के लिए हमें पापड़ बेलने पड़ते हैं क्योंकि हमारा माल है हम उसको निकालने के लिए हमें कभी रिश्वत देनी पड़ती है मजबूरन हम चाहते नहीं हैं लेकिन मजबूरी में हमें अपना माल निकालने के लिए अपने अपने रिश्तेदार को रिलीज कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है तो वलमा ने लिखा है कि मजबूरी में ये चीज़ कभी जायज़ हो जाती कभी जायज़ हो जाती है लेकिन इसको बहाना बना करके रिश्वतों का चलन हो जाए और लोग रिश्वत देने लगें और हलाल और हलाल समझ करके रिश्वत देना देना शुरू कर दें यह सही नहीं है हमारे साथ भी हो सकता है आपके साथ भी हो सकता है आपके किसी रिश्तेदार को किसी ए, किसी ने पकड़ लिया खा म खा कोई जुर्म नहीं है लेकिन अब वो कहता है इतना देंगे तो छोड़ेंगे अगर आप देंगे तो छोड़ेगा नहीं तो मारेगा जेल में डालेगा वो मजबूरी है हमारी तो कभी कभी मजबूरी में हलाल हो सकता है लेकिन इसको दलील बना लेना इसको अपने लिए एक जायज तरीका निकाल लेना ये गलत है हालात को आप समझ सकते हैं तो रिश्वत लेना रिश्वत देना ये हराम कमाई की एक शकल है नौवीं चीज़ हराम चीज़ों का कारोबार करना जो चीज़ें हराम हैं उसका कारोबार करना भी हराम सूअर का गोश्त खाना हराम है अब आप उसका कारोबार करेंगे तो भी, तो भी हराम है वो ज़िंदा हो या उसका गोश्त बहुत सारे मालों में हर तरह के जानवर का गोश्त लोग रखते हैं हराम है आप नहीं कर सकते हैं हराम माल का कारोबार शराब पीना हराम है शराब का कारोबार करना भी हराम है इसी तरीके से कुत्ते का कारोबार करना बिल्ली का कारोबार करना या वो चीजें जो हराम हैं जैसे फिल्मी कैसीटें बेचना जो चीजें हराम हैं उनका कारोबार करना भी हराम है इसी तरीके से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जनाकारी के अड्डे कायम करना कुछ तवाइफों को ला करके बहुत सारे लोग ये समाज और माशरे में चल रहा है बहुत सारे लोग तवायफों को रख करके उनकी कमाई खाते हैं तो ये सारी हराम शक्लें हैं हराम चीजों का कारोबार करना हराम है जो हराम है उसका कारोबार भी करना हराम है इसी तरीके से दसवीं शक्ल जो है यतीम का माल खाना यतीम का माल अक्सर उसके करीबी लोग खाते हैं कोई बच्चा यतीम हो गया उसको अपनी किफालत में कौन लेता है उसका चाचा उसका मामू उसका खालू आम तौर पर करीबी लोग यतीम की किफालत करते हैं होना तो ये चाहिए था कि हम यतीम के साथ अच्छा सलूक करें उसके माल की हिफाजत करें उसके जवान होने का बालिग होने का इंतज़ार करें बलूगत के बाद उसकी माल उसके हवाले कर दें लेकिन होता क्या है किफालत के नाम पर लोगों लोगों का मामला यह है कि यतीम का माल हड़प कर जाते हैं और शादी के नाम पर खर्चे के नाम पर तालीमी फीस के नाम पर और इसी तरीके से दवा और इलाज के नाम पर उस यतीम बच्चे का बहुत सारा माल बेच डालते हैं समाज और माशरे में हो रहा है नहीं यतीम का माल खाना हराम है तो एक शक्ल तो ये हो गई कि आप किसी यतीम की किफालत कर रहे हैं और उसके माल में खुर्द बुर्द करते हैं उसके माल के साथ साथ आप अपना माल भी हराम कर रहे हैं दूसरी शक्ल यह है कि समाज और माशरे में कुछ लोग हैं जो यतीम खाने खोलते हैं वहां पर यतीमों की किफालत की जाती है उनका कोई अपना रिश्तेदार नहीं होता है बल्कि समाज और माशरे के बड़े लोग मिलकर के एक यतीम खाना खोलते हैं लोग उनके पास पैसे ला कर जमा करते हैं क्यों आपके चेहरे देख करके नहीं आपके काम को देख करके कि आप यतीमों की किफालत करते हैं यतीम खाने के जिम्मेदार हैं एक, एक पैसा अमानत है वो पैसा यतीमों के लिए लगना चाहिए आज कितने लोग हैं जो यतीम खाने खोल करके यतीमों के नाम पर वो पैसा खुद हड़प कर जाते हैं तो ये शक्लें हैं यतीमों का माल खाने के मुख्तलिफ़ शक्लें जो हमारे समाज और माशरे के अंदर राइज हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों ज़मीन पर सबसे अच्छा घर वो है जिस घर में किसी यतीम के साथ अच्छा सलूक किया जाए किसी यतीम के साथ अच्छा सलूक किया जाए वो सबसे अच्छा घर है और सुनो जमीन पर सबसे बुरा घर वो है जिस घर में किसी यतीम के ऊपर जुल्म किया जाए आज लोग यतीम बच्चियों को गुलाम समझते हैं आज लोग यतीम बच्चों को गुलाम समझते हैं हमारी इन गुनहगार आंखों ने देखा है कि यतीम बच्चे के साथ जो लोग गिरा हुआ सलूक करते हैं वल हफीज़ मेरे भाइयों एक तो उसके सर से बाप का साया उठ गया एक तो उसके सर से मा माँ की गोद छीन गई और आप उसके ऊपर जुल्म करते हैं आपको तो चाहिए यह था कि उसके साथ अच्छा सलूक करें यतीमों को लोग ग़ुलामों की तरह रखते हैं यतीम बच्चियों को नौकरानियों की तरह रखते हैं सिर्फ यही नहीं बल्कि उनका माल भी हड़प कर जाते हैं बहुत ख़तरनाक मसला है अल्लाह ताला ने कुरानी मजीद में फ़रमाया इन लदीन या कुलू नाम जो लोग लो यतीम का माल जुल्म तरीके से खाते हैं इन नमा कुल नारा वो अपने पेट में खाना नहीं जहन्नम के अंगारे भर रहे हैं आपने यतीम का एक लुकमा खा लिया जहन्नम का एक अंगारा आपने अपने पेट में डाला यतीम का माल खाना बहुत बड़ा गुना है अगर हमसे यह गलती हो गई हो तोबा कर ले मेरे भाइयों वैसा या सईरा दुनिया में आपने यतीम का माल खाया तो आपने अंगारा खाया और कयामत के दिन जहन्नम में डाले जाएंगे इसी तरीके से हराम कमाई की ग्यारहवीं शक्ल यह है खयानत करना आपको लोगों ने कोई अमानत दारी दी आपको कोई उहदा दिया किसी जमात का किसी तंजीम का किसी ट्रस्ट का किसी इदारे का आपको जिम्मेदार बनाया अब समाज और माशरे के लोग आपको चंदा देते हैं आपको नहीं देते हैं उस इदारे को चंदा देते हैं उस तंजीम को चंदा देते हैं उस जमात को चंदा देते हैं आपने उस इदारे को उस जमात को उस तंजीम को अपनी तहवील में लेकर के आपको अच्छा काम करना चाहिए आपके पास जो माल आया आपने उसमें खयानत कर दी माल हड़प कर जाना दूर की बात है किसी इदारे और तंजीम के जिम्मेदार हैं आप और आपके पास माल आया वो माल आपने खा लिया ये तो बहुत दूर की बात है खयानत करना सिर्फ सिर्फ खयानत करना कि भाई इदारे का माल है दो लाख रुपया पड़ा हुआ है हम इसको अपने कारोबार में इस्तेमाल कर लेते हैं जब जरूरत पड़ेगी हम इदारे को दे देंगे आपने किस अथॉरिटी से वो दो लाख रुपए इस्तेमाल किया इदारे के पैसे को आपने किससे पूछकर आपने इस्तेमाल किया समाज और माशरे का वो इदारा लोगों ने अपनी कमाई का गाढ़ी कमाई का पैसा लगा करके इदारे को मजबूत किया ताकि हमारा इदारा तरक्की करे हमारी जमात तरक्की करे हमारी मस्जिद तरक्की करे और हमारी तंजीम तरक्की करे हमारी जमात तरक्की करे समाज और माशरे का खून चूसने वाले ये हराम कमाई है ये हराम कमाई है पूरा खा लेना तो दूर की बात है सिर्फ अमानत में खजानत कर देना हमारे पास है हम इस्तेमाल कर लेते हैं बाद में दे देंगे अमानत में ख़यानत है ये ख़यानत करने की वजह से वो कमाई हराम हो जाती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स को मैं कोई जिम्मेदारी दूँ और वो शख्स उसमें खयानत करे चाहे वो एक सुई ही क्यों ना हो एक सुई एक रस्सी ही क्यों ना हो वो क़यामत के दिन वो सुई और रस्सी लेकर के हाजिर होगा सुई और रस्सी लेकर के हाजिर होगा अमानत में खयानत हरगिज ना करें ये शक्लें हैं जो हमारे दरमियान राइज हैं इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज के मुतालिक फरमाया आप किसी से कर्ज लेते हैं तो चाहिए कि वक्त पर उसका कर्ज अदा कर दें आपने लेने के वक्त वादा किया कि हम आपको फला वक्त ये कर्ज दे देंगे लेकिन आपके दिल में है कि देना तो है नहीं आपने कर्ज लिया ना लौटाने के इरादे से लिया तो ये माल आपके लिए हराम हो जाएगा अल्लाह के नबी ससर ने फरमाया अगर कोई शख्स किसी से कर्ज लेता है और कर्ज लेने के वक्त उसकी नीयत है कि वह जरूर लौटाएगा तो अल्लाह ताला लौटाने के रास्ते निकाल देता है निकाल देता है लेकिन अगर उसकी नीयत है कि लौटाना तो है नहीं इसलिए उसके लिए रास्ते भी नहीं निकलते आज हमारे दरमियान जो बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि भाई कर्ज तो ले लिया हूं लेकिन अदा करने की कोई शक्ल नहीं नजर पहले से नीयत खराब रहती नीयत हमारे नबी ने फरमाया नीयत खराब है तो शक्ल नहीं निकलती है कर्ज लेना नहीं चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज के बोझ से अल्लाह की पनाह मांगते थे अल्लाह मा इन अवजी का मिनल मकर अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ गुनाहों के बोझ से और कर्ज के बोझ से तो ये मुख्तलिफ़ शक्लें हैं जो हमारे समाज और माशरे के अंदर राइज हैं मेरे भाइयों हमें चाहिए कि अपनी कमाई को पाक करें अगर हम इन्हीं किसी शक्ल में गिरफ्तार हैं तो आज ही तोबा कर लें आप ये मत समझें कि हराम सब हराम ही है तो कमाएंगे कैसे हराम की सिर्फ बारह शक्लें मैंने आपके सामने बयान की इसके अलावा भी कुछ शक्लें हैं जो आप पूछ सकते हैं बाद में मिल सकते हैं लेकिन हला इसके अलावा बाकी शक्लें जो हैं वो तो हलाल ही हैं अब हलाल की कितनी शक्लें हैं और हलाल के कितने फवाद हैं इन अगले जुमा को बात होगी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक तौला हम सब को हराम कमाई से महफूज रखे हमारी नस्लों को महफूज रखे हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए हम सबको हलाल कमाने की तौफीक इनायत फरमाए हमारे माल में बरकत अती फ़रमाए हमारे कारोबार में तरक्की इनायत फरमाए अल्लाह हलाल के दरवाज़े खोल दे कर्ज़ के बोझ से अल्लाह हमको पनाह दे हम तो हम सबको अल्लाह तला नजात दे मेरे भाइयों कर्ज़ लेने से अल्लाह के नबी ससर ने मना किया लाही की कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो आज लोग फैशन के लिए कर्ज़ लेते हैं आज लोग आज आज लोग अपना ए जाहिर करने के लिए कर्ज़ लेते हैं कभी मजबूरी में कोई कर्ज़ लेता था ये मुख्तलिफ़ शक्लें हैं जो हराम कमाई की हैं हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इन तमाम शक्लों से हमारी हिफाजत फरमाए अकूल कल हाजा व अस्तक फ़िर वलकुम वलसा इल्मोमकुलज़म फ़स्तक फ़िरूह उनफ़ुररीम الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله السميل لي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه عليه وسلم وجعل منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر واقيموا الصلاه